उस रात को तुमने मुझे जो झूठ बोला वो भी सही था। मैंने मजाक किया था, आपने उसे सीरियसली लिया। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। तो तुम दादी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर उनके दिल को तो दुख दिया तुमने। मतलब जैसे तुम मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करती रही, प्यार का दिखावा करती रही, तुमने दादी के साथ भी वो सब कुछ किया ना, उनके आंसुओं का भी कोई असर नहीं हुआ तुम पर। बात यहां किसी को अच्छा या बुरा लगने की नहीं हो रही है, बात सही और गलत की। मैंने जो किया सही किया, उसकी वजह सही थी। जब मैं कोई सही काम कर रही होती हूँ, उससे किसी पर क्या असर पड़ता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मैम आपने बुलाया? हाँ, ये खाना जाकर ना दादी को दे देना और खाने के बाद दवाई भी दे देना। जी सुनो, अगर दादी पूछे कि खाना मैंने बनाया या नहीं, कहना कि मैं सो गई और खाना तुमने बनाया, ठीक है? पर मैम झूठ क्यों? बेवजह के सवाल मत करो, जितना कहा है उतना करो, जाओ। दादी तू क्यों खाना लेके आया? प्रज्ञा कहाँ है? जी वो सो रही है। खाना किसने बनाया? जी ये खाना मैंने बनाया। ले जा इसे वापस, नहीं खाऊंगी मैं। पर आपको भी दवाई भी खानी, आप खाली पेट कैसे? ना मुझे खाना खाना ना दवा खानी। और एक बात और, जब तक मैं तुझे बुलाऊं ना मेरे कमरे में नहीं आना, समझ गया? अब जा रॉबिन जा। रॉबिन, वेट। एक बात तेरी समझ में नहीं आती क्या? मुझे भूख नहीं है। दादी थोड़ा खा लो, वरना दवाई कैसे लोगे? दवाई लेने से क्या होगा? जो तकलीफ मुझे हो रही है वो दवाई से कम हो जाएगी? बहुत कोशिश की मैंने, पर मेरे दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही कि प्रज्ञा मेरे साथ ऐसा कर सकती है क्या, जिसे मैंने इतना प्यार दिया, सबसे ज्यादा प्यार दिया मैंने, उसी ने मेरी नियत पर सवाल खड़े कर दिए बेटा, जिसे मैंने अपनी सगी बेटी की तरह प्यार किया, वो मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है कि मैं अपने बच्चों से भेदभाव करती हूँ। दादी को बता दूं कि उसके ऐसा करने के पीछे कोई वजह थी, शायद ये सुनके दादी का दिल थोड़ा हल्का हो जाए। नहीं, जब तक मुझे उसकी वजह नहीं पता चल जाती तब तक नहीं बताना चाहिए। कैसे पता करूं कि प्रज्ञा ये सब क्यों कर रही? सामने से पूछूंगा तो जवाब नहीं देगी, उसे किसी और ही तरह से बातों में फंसाना पड़ेगा। तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुमने मेरी गेम खराब कर दी।
मुझे अपनी क्विट लेनी थी। क्या कर रही हो तुम? तुम नहीं सोगी। क्यों नहीं सोंगी? क्योंकि मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी दादी का दिल दुखाया, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि कोई अगर मेरी दादी का दिल दुखाता है तो मैं उससे बदला लेता हूं। अब तुम्हें सजा मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सजा तब मिलती है जब कोई गलती करता है। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे किस बात की सजा मिलेगी? तो झगड़ा भी नहीं कर रही, ये ऐसे ही मेरी बातों में नहीं फंसने वाली। इसके लिए कुछ और ही सोचना पड़ेगा। से जाकर क्या बोले? इससे पहले सब कुछ खराब हो जाए मुझे बुलबुल से मिलना होगा, पर मैं उसे डायरेक्टली कुछ बता भी तो नहीं सकती। कोई बहाना बना दूंगी। ये पुलिस स्टेशन क्यों चला? कहीं वो कॉर्पोरेटर इसे किसी काम के लिए मजबूर तो नहीं कर रहा? नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा। तो अब दादी, प्रज्ञा देख, मेरी लाइफ लाइन फिर से चलेगी। क्या कुछ परेशान लग रही है बेटा? सब अरे बस बस, क्या हुआ बच्चे? सब ठीक तो है ना? कैसे बताऊं दादी कि मैंने उनका दिल दुखाया है जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया। उनसे गले लगा के माफी नहीं मांग सकती, इसलिए आपको गले लगा कर दिल हल्का कर रही हूँ। बेटा तो कुछ बता क्यों नहीं रही? कोई बात नहीं है दादी, मैं बेवजह आपको गले से नहीं लगा सकती। अरे क्यों नहीं लगा सकती? एक दफा क्या, 100 दफा लगा सकती है। देख मैं तुझे कैसे कस के जब भी देती हूँ। आजा। तो बच्चे तो चुप हो गई थी, थोड़ी घबराहट हो गई थी कि कहीं कुछ बात तो नहीं, कुछ टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन नहीं है दादी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं बस बुलबुल से मिलकर आती हूँ। बेटे वो तो घर पे नहीं है ना? अरे सरला उसको लेकर हॉस्पिटल गई है। ठीक है, मैं वहीं जाकर उसे मिल लेती हूँ। आओ पेट भर। अरे अभी बेटा तुम भी आए हो, पर प्रज्ञा तो अभी चली गई। एक बात बताओ रॉक्स साहब, जब तुम दोनों को यहाँ आना था तो एक साथ क्यों नहीं आए? वो दादी मुझे पता नहीं था कि प्रज्ञा यहाँ पर आने वाली है। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि सबसे मिलता चला जाऊँ। सब ठीक तो है ना बुलबुल? सरलमा आप लोग भी ठीक है ना? हाँ हाँ, अभी तक तो ठीक ही थे, पर अब जब तुम ऐसे पूछ रहे हो तो मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं। नहीं दादी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अब पूछ ही रहा हो तो हॉल के बारे में भी पूछ लेता हूँ। हॉल भी ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें? हाँ बेटा, हॉल भी ठीक है। वो तो तुझे पता है ना कि हम लोग केस जीत गए थे, और फिर वो जो कॉर्पोरेटर है वो तो जेल में है ना, तो क्या प्रॉब्लम होनी? हाँ, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्या प्रॉब्लम होनी? हाँ, है बात क्या है, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? बस एक हक चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।